एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी परिवार स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज मैं आप लोग के सामने फिर से एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ, कटहल की सब्जी, जो हम सभी लोगों का फेवरेट होता है। और कटहल की सब्जी बनाने के लिए पहले तो आधे पौने घंटे तक मसाला भूनो, तब जाके सब्जी रेडी होती है। कभी कभी तो बनाने में भी आलस होता है, तो आज मैं बहुत ही सिंपल बहुत ही क्विक रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी जो मैं बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे कुकर चढ़ा दी हूँ और मैं प्याज कट कर रही हूँ। कुकर में मैं तेल नहीं डाली हूँ, सिर्फ प्याज ही है, सिर्फ प्याज, बिना तेल के बनाएंगे, बाद में तड़का लगाएंगे। लेकिन जो क्लिप है वो मुझसे मिस हो गया, उसके लिए सॉरी। तो कुकर में यहाँ पे प्याज डाली हूँ, दो टमाटर ऐड की हूँ, एक छोटा अदरक ऐड की हूँ और 5-6 लहसुन की कलियाँ ऐड की हूँ। लहसुन को भी मैं चॉप नहीं की थी, सिर्फ धो के छिलके ऐड की हूँ। और जो कटहल आलू है वो धो के कट करके रखी थी, वो ऐड की हूँ। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करूँगी, 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करूँगी, 2 चम्मच मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। बहुत पानी नहीं डालना है, लेकिन जितना आपको ग्रेवी बनाना है उस हिसाब से आप पानी ऐड करना। ढक्कन लगा के मैं 3 सीटी लगा ली हूँ। अगर आपको लगे कि नहीं गली है तो आप 1-2 सीटी और लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर सीटी लग गई है, देखिए कटहल तो पक गई है। इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा मैश कर लूँगी और उसके बाद तड़के की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे तड़का वाला पैन ली हूँ, उसमें 3 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड की हूँ, उसमें 1 चम्मच जीरा ऐड की हूँ, 2 लाल मिर्च ऐड की हूँ, 2 तेज़पत्ता ऐड की हूँ, 1/2 टेबलस्पून हींग ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून मिर्च पाउडर ऐड की हूँ, 1 चम्मच कसूरी मेथी उसको क्रश करके डाली हूँ मैं। और फिर इसको थोड़ा सा चला देंगे ताकि जले ना। और इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड की हूँ और बस इसका तड़का लगा देंगे। और थोड़ा सा धनिया मैं धनिया पत्ता ऊपर से भी स्प्रिंकल करूँगी और बस सब्जी बनकर तैयार है। देखिए कितनी अच्छी, कितनी टेस्टी सब्जी बनी, एकदम फटाफट बिना भूने। आप नहीं भी भूनोगे तो भी ये सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और मैं तो इसको राइस के साथ खाने वाली हूँ। आप लोगों को पराठा, रोटी, राइस जो भी पसंद हो उसके साथ आप परोसिए और सब्जी बनकर तैयार है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।